सारे जनप्रतिनिधि हाथ में चूरी पहन लिया है चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि हो सारे पदाधिकारी से मिली भरत में यदि टेस्टफार्मा नहीं लड़ा तो चप्पे चप्पे इस्लामपुर को बंद कर देंगे और बलोट को ढेर लेंगे एक सप्ताह के अंदर हम उदाहरण बता रहे हैं कि आत्मा में जला हुआ है मैदी में जला हुआ है बौरी में जला हुआ है जितना मैंने किस पचीस केविटा टेस्टफार्मा है उसको खोल के भी ले आता है ऐसे पदाधिकारी तो हमने पिटने का भी काम किया था बलॉट को, को जाम करेने, और जनता मालिक के साथ प्रदर्शन हर एक तक दलाल और दो दो तीन तीन दो दलाल बैठा दिया गया दिया। बैठा दिया दिया। कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास हमारी सुविधाएं लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी जनरल ओपन सर्जरी मूत्र रोग किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से गांठ कैंसर स्तन बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी गाल ब्लैडर प्लास्टिक सर्जरी डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें नमस्कार प्रणाम मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर प्रखंड प्रमुख कार्यालय में और हमारे बगल में जो मौजूद हैं प्रमुख प्रतिनिधि मिथिलेश यादव और पूर्व जिला पार्षद इस्लामपुर दक्षिणी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अभी प्रखंड में और प्रखंड के अलग अलग गाँव में जो विभिन्न प्रकार के समस्याएं हो रही है उसको लेकर के जनता त्राहीम माम है खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी का बो, आ, क्या बोलते हैं कि समस्या है या फिर पीएचईडी का जो समस्या है नल जल का समस्या है इसको लेकर के लोग एकदम परेशान हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो तो ब्लॉक मुख्यालय में कम से कम आपको पाँच सौ से सात सौ रुपया तक घूस देना ही पड़ेगा तभी बनेगा इन सभी चीज़ों को लेकर के हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार प्रमुख प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इन सभी चीज़ों पर चुप क्यों है मतलब जी सबसे पहले तो स्वागत है चलिए आपको नालंदा दस्तक दर्शकों को और आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। पहला सवाल यही होगा मिथिलेश जी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो समस्या है खास करके अभी देखा जा रहा है कि शहर में लाइन रहता है लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो मतलब कि आम जन हैं जो किसान हैं उनको पटवन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है और ऊपर से बारिश नहीं हो रहा है किसान परेशान हैं क्या करें किसान सबसे पहले तो आपको इसी उद्देश्य इसी कारण से मैं बुलाया हूँ कि जो किसान का समस्या है हम लोग भी किसान का ही बेटा हैं जमीन से जुड़े हुए लोग हैं आज इस्लामपुर नगर में 20 से 22 घंटा लाइन रहती है विद्युत रहती है ग्रामीण एरिया में ग्रामीण एरिया में जो सूचना मिल रही है हम लोग को जो सूचना मिल रही है कि मात्र छः से सात घंटा बिजली रहती है वो भी लगातार नहीं लगातार नहीं दो घंटा मिलता है डेढ़ घंटा मिलता है तो तीन घंटा चटता है दो घंटा बाधित होते ही लगातार भी बिजली नहीं मिल रहा है अभी जो जल का जो स्थिति है ग्रामीण एरिया में वो लेयर नीचे चला गया है किसान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है धान रोपने का तो धान रोपने का समस्या है तो बारिश नहीं हो रही है तो बारिश नहीं होने के कारण जल स्रोत है जो नीचे चला गया हाँ। है लेयर नीचे चला दिया है तो कम से कम तो लाइन तो दे तो आदमी पानी उत्तर तो व्यवस्था करे लेकिन यहाँ सुनने में आया है हमको ग्रामीण एरिया में बहुत भी कृषि फीडर के जितना भी ट्रांसफार्मर है, हाँ। है। लगभग ट्रांसफार्मर 25 के बी वाला हो या तिरसठ के बी का हो वो जल दिया है जो सूचना मिल रही है अभी विद्युत विभाग से कि हर एक गाँव में हर एक फीडर पर एक तक दलाल दो दो तीन तीन दो दलाल बैठा दिया। बैठा दिया गया है किसान से वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पैसा तसली लिए ट्रेसफार्मा के लिए तिरसठ केबी का ट्रेसफार्मा यदि लगवाना है तो चालीस हज़ार रुपया दीजिए सौ टेस्ट ट्रेसफार्मा लगाना है आपको तो एक लाख साठ हज़ार रुपया दीजिए और कई गाँवों में जो किसान का है समस्या वहाँ जाकर कह रहा है कि इतना पैसा दीजिए और किसान लोग तसीली भी किए हैं चंदा भी तसीली किए हैं है। मतलब कि लाइन के लिए चंदा तस् ट्रांसफार्मा के लिए ट्रांसफार्मा हाँ। के, हाँ। के लिए इतना दलाल फिट है जो बिजली बिल जो मानता है या उसका मिस्त्री है तो मीटर रीडिंग मीटर रीडिंग करता है उसके तरफ से किसान को तो दो दो हजार एक एक हजार रुपये तहसील करके ट्रांसफार्मर तो लगाया जा रहा है और जहाँ तक किसान नहीं दे रहा है पैसा mm. वहाँ ट्रांसफार्मा नहीं लगा जैसे उदाहरण हम mm. करते mm. हैं कि एक आत्मा पंचायत है और ड्राम आत्मा में ड्राम आत्मा की बात कर रहे हैं पच्चीस mm. के बी के चार ट्रांसफार्मर पच्चीस केबी के चार ट्रांसफार्मर खोल के ले आया है यहाँ तक विद्युत विभाग भी के पदाधिकारी लेकिन mm. तीन चार के जगह पर एक पच्चीस के बीटा ट्रांसफार्मर भेजा है उससे तरादा हो रहा कि तू पैसा दो तो हम लड़ाते हैं तो किसान कहाँ जा रहा है किसान के एक तो भुटमरी की स्थिति है और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि हो सारे पदाधिकारी से मिली भरत में है तुम मिथिलेश जी क्या कर रहे हैं मैं हम आज हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं पदाधिकारियों को तो, कि यदि एक सप्ताह यदि आठ से दस दिन में इसको तो सुधार नहीं हुआ तो हम रोड पर भी उतरने समय, जनता के साथ किसान के साथ रोड पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे यहाँ प्रदर्शन करेंगे ब्लाउट को घेरेंगे रोड को जाम करेंगे और ग्रामीण इलाकों से जितने भी किसान हैं सबको मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि यदि टेस्ट फर्मा नहीं लगा तो चप्पे चप्पे इस इस्लामपुर को बंद कर देंगे और बलोट को ढेर लेंगे एक सप्ताह के अंदर अच्छा मतलब कि आप अधिकारियों को पहले ही सचेत कर दे रहे हैं अधिकारियों तो सचेत कर रहे हैं कि अभी एक सप्ताह के अंदर आप नहीं लड़वाने का काम कीजिएगा तो जनता यहाँ उग्र हो चुकी है किसान उग्र हो चुके हैं एक सप्ताह के बाद किसान रोड पर उतरेंगे ब्लॉट में धरना देंगे और जितने भी यहाँ के उच्च प्रतिनिधि हैं एक भी पदाधिकारी उसकी बात नहीं।, नहीं सुन रहा है नहीं। तो अब हम लोग मजबूर होकर किसान के हट में मजबूर होकर किसान के लिए आंदोलन करने के लिए रोड पर उतरेंगे और एक सप्ताह में बिजली बोर्ड जो यहाँ है पावर ग्रिड उसको भी घेरने का काम करेंगे हम लोग अच्छा तो पैसा कौन मांग रहा है विधायक जी मतलब क्या बोल रहे हैं कि सॉरी मिथिलेश जी ग्रामीण से मांगा जा रहा है या फिर मुखिया उखिया जी से मांगा जा रहा है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हम तो बता रहे हैं कि किसान अभी ट्रांसफार्मर जल दिया है जल गया है पच्चीस केबी का उस पर लोड है बीस एक पच्चीस के बी के ट्रांसफार्मा पर बीस बीस मोटर लोड है, है तो उस चल नहीं पा रहा है ट्रांसफार्मर जल जाता है, जल है। उसके एवज में कहा जाता है कि इस पर हम तिरसठ के लगाएंगे उसका जो मिस्त्री है क्षेत्रीय मिस्त्री है उसका जो बिल रीडिंग करता है उससे होता है कि तुम इतना पैसा तसीलीटर से दो चालीस हजार पचास हजार तुमको हम ट्रांसफार्मा तिरसठ टेबीटा लगा देते हैं यहाँ पर अच्छा पहले मतलब कि मूर्ति बैठाने के लिए चंदा होता था ट्रांसफार्मर बैठा चंदा बैठाने के लिए चंदा हो रहा है कई जगह से ऐसा शिकायत मिला है हम लोग को अब ऐसा हो रहा है और जिसके लिए जाम करेंगे सर इसके लिए हम पावर ग्रिड को ढेरें किसान के द्वारा एक सप्ताह के अंदर हम उदाहरण बता रहे हैं कि आत्मा में जला हुआ है मैदी में जला हुआ है बौरी में जला हुआ है जितना मैंने पचीस केबीटा ट्रांसफार्मा है उसको खोल के भी ले आता है इन लोग उसको खोल के ला के बेच भी देता है और जो खोल चलाता है उसके में लड़ा भी नहीं पाता है और उसके बदले पैसा मांगा उसके बदले पैस, में पैसा मांगा जा रहा है कनिया अभियंता हो एस डी हो जो हो सारे लोटाई स्थिति ऐसा है एक बहाना बनाता है कि मेरे पास जब इतना हो रहा है सरकार के द्वारा कि हम इतना विद्युत देने हमारे यहाँ विद्युत खरीदा नहीं जा रहा हमारा ही विद्युत उपज हो रहा है तो फिर छोट घंटा पाँच घंटा लाइन से ग्रामीण इलाके में मिल रहा है हाँ ग्रामीण हाँ। इलाके में जो सात निश्चय का नल जल योजना हाँ। पी वाला ये भी बाधित हो रहा है जो पीएचडी से अभी हम कहना चाहते हैं पी एच डी से कई बार हम लोग ने बात भी करने का काम किया लेकिन जो चपाटल है पूर्व का अभी तो बिहार सरकार ने चपटल बंद ही तरा दिया जो बहुत दुर्भाग्य वाली बात है नल जल से कितना काम चला पहले चपटल रहता था लोट चपटल से तो पानी ले पीते ले थे, थे, थे। लेकिन जो भी पंचायत से चपाटल हो या पंचायत समिति से चपाटल है या पी विभाग से चपाटल हुआ है वो खराब स्थिति में है हम लोग टहते टहते थक रहे हैं तो कोई यहाँ पदाधिकारी सुनता नहीं पदाधिकारी जो इस पी वाला जेई हो इस डी हो सारे प्रतिनिधि ही पैसा पहुंचाता है क्या पहुंचाता है हम लोग नहीं जानते हैं लेकिन ये भी आप बोल दीजिए अभी कि चपटल मरम्ती करवाना है ये आपसे चपटल मरम्ती हो हो रहा नहीं तो अधिकारी इतना मन मौजी कहा कर रहे हैं अधिकारी जब सरकारें लगाम सरकारें तो अब आई एस लोड चला रहा है जनप्रतिनिधि का क्या वैल्यू है इस राज्य में जनप्रतिनिधि का आप एक मोटरसाइकिल नहीं छोड़वा सकते हैं जो एक जनप्रतिनिधि है सच्चाई बात जाए, है, जाए, जाए है हाँ। कि एक एक प्रशासन पदाधिकारी आपकी बात नहीं मानता इसका कारण है कि सारे जनप्रतिनिधि हाथ में चूड़ी पहन लिया है यदि रोड पर उतरे रहा जनप्रतिनिधि धरना दे प्रदर्शन दे तो किसी की ताकत नहीं है पदाधिकारी का कि ऐसे पदाधिकारी बात नहीं सुने रहा हम लोग बर्दाश्त किए हैं हम लोग पदाधिकारी से डरने वाला काम नहीं करते हैं हम लोग एक पैसा भी नहीं डरेंगे और एक सप्ताह के अंदर देखिए जाए आप यदि इन चीज में सुधार नहीं हो तो हम लोग जनता मालिक के साथ प्रदर्शन करेंगे ब्लॉक को ढेरेंगे सारे चप्पे चप्पे बंद करवा देंगे अच्छा अफ ही के ब्लॉक में मिथिले जी आ, वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनता है और जन्म प्रमाण पत्र में पर डे हमको फोन आता है कि वहाँ के दलाल वहाँ के अधिकारी चाय पिलाने वाले तक पैसा मांगते हैं और पैसा नहीं देता तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता आपको मालूम हो रहा है कि वैसे पदाधिकारी को हमने पिटने का ता भी काम किया था आप पता लगा लीजिए बिल्कुल सच्चाई बात है कि वो पैसा लेता है उसको जब शिकायत मिला तो हम लोग जनप्रतिनिधि उसको चैलेंज आपके चैनल पर सीना ठोट पिटने का भी काम किया था हुँ, हुँ। लेकिन कुछ दलाल लोग कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी हम उस मामले में हम हम हमारे ऊपर एफ आई आर करवाने की भी धमकी दी थी एफ आई आर करवाने गया था लेकिन हो नहीं सका था अच्छा। हमने बी डी ओ साफ भी कहा इस बात को तो संज्ञान दिया है बी डी ओ साफ के माध्यम से आप देखे होंगे कि निकला होगा नंबर वो, के साथ। नंबर जारी किया नंबर जारी किया गया है हमको कहने के ऊपर और उसमें कहा गया कि जो भी पैसा ले यदि मानता हो जो दलाल था उसमें उसको हटा दिया गया है उसका जो ऑफिस उस साइड था हाँ। उसका ऑफिस हम लोग बदल में ले आए हैं वीडियो साहब बदल में लाए हैं वीडियो साहब उस पर अंकुश लड़ा है अच्छा। हम लोग दबाव बनाए हैं और जो भी शिकायत यदि है कि पैसा लेके वो बना रहा है सीधे प्रमुख के कार्यालय में आए जिसको जो बनाना उचित उसमें सारा नियम कानून दिया हुआ एक से बीस बाईस दिन के अंदर कोई पैसा नहीं कोई पैसा नहीं कोई आप डिफिट नहीं कुछ नहीं सुबह बन जाएगा बाईस दिन के बाद एक मैंने के महीना तक तो जो नियम है उसमें सुबह शपथ पर देना होगा सुबह खाली जो उसमें फॉर्म है उसको सुबह शपथ पर देना है फिर उसमें टाइम लिमिट है कि इतने दिन के बाद एक नोटिस आप फिर डिफिट रहेगा और उसको सुबह शपथ पत्र भी भरना पड़े अच्छा मतलब कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को, को, को पूरा करे पैसा नहीं देना पैसा नहीं देना है यदि किसी को तो भी पैसा लगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी तो जाता थे जा कि हमसे पैसा मांग रहा है हम लोग ने एक चरनाटे की जो महिला थी उससे छः सौ दो उसको तो बच्चा को तो बनाना था एक बच्चा में छः सौ रुपया ले लिया था और उसको बोला गया उस पदाधिकारी के तरफ से कि ये तो बाद में दीजिएगा इस पर पे फोन कर दीजिएगा ये नंबर पर वो हम लोग को शिकायत मिला हमने बोलाट पदाधिकारी के बी डी साहब ने बोलाट पदाधिकारी को उसको छो सौ रिटर्न भी टराए और उसका दिलाए तो जनता भी तो अंधा हो जाती है टबी तभी <laughs> जनता है कि पैसा दे दीजिए अब यहाँ कहता है बाद में शिकायत करता है हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं जितने भी जन प्रमाण पत्र <laughs> बनाने <laughs> में लोड लो से <laughs> कि आए मेरे प्रमुख के कार्यालय में आए यदि कोई पैसा मांगता हो तो आप यहाँ जानकारी दें जो नियमानुसार है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके अनुसार बनेगा कोई पैसा नहीं लगेगा अच्छा कल विधायक जी का भी इंटरव्यू कर रहे थे मित्र जी वो भी कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे आप भी बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे तो मतलब की जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना जाएगा तो अब आंदोलन ही आखिरी प्रक्रिया बचा है आंदोलन ही एक उद्देश्य है अब यहाँ देखिए नब्बे पंचानवे दो हजार जो दौर रहा है इस्लामपुर में इस्लामपुर में जब जब तमाशा हुआ पदाधिकारी तो हम लोग रोड पर हमारे पूर्वजों पूर्वज जो जनप्रतिनिधि रहे हैं रोड पर आंदोलन किए हैं रोड पर आंदोलन करके लाठी ठाके उन्होंने जनता को काम करवाया है वही हम लोग को अब अत्याचार करना पड़ेगा यहाँ नहीं अत्यार कीजिएगा तो चूरी पहन के घर बैठना पड़ेगा जो पदाधिकारी का मनमौजी है जो यहाँ मनमौजी होता है यहाँ से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक उल्टी हो रहा थी जनप्रतिनिधि पर एफ आई आर करो जनप्रतिनिधि पर एफ आई आर करो सारा सौ बेच दिया हुँ, सरकार हुँ, आपको पता है ग्यारह हजार का सौ रुपलेट मुठिया से जबरदस्ती जनप्रतिनिधि से साइन करवा के चेक लिया गया डीएम ने कहा कि दो नहीं तो एफ आई आर तुम पर तुम्हारा योजना जांच करेंगे क्या है जनप्रतिनिधि का आप कहते हैं कि हम रिजर्वेशन दे चुके हैं रिजर्वेशन देते रिजर्वेशन देते उसको तो फांसी दे रहे हैं कि तो उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं आप जो मुखियात अधिकार त्रिस्तरीय पंचायत में जो अधिकार है उस तो हम लोग भी मुखिया रहे हैं हम लोग भी स्वर्प लेट आया था आ, उस समय तो सब सबको करते, करते थे लेकिन सारा जनप्रतिनिधि अधिकार छीना जा रहा है इस सरकार में और निपन् बनाया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत को चलिए आखिरी सवाल यही होगा मिथिलेश जी अपने जनता को तमाम जनता को जो आपको विश्वास करके यहाँ तक पहुंचाई है और निरंकुश अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे कहना चाहते हैं मैं सर्वप्रथम अपने जनता मालिकों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है नल जल नहीं चल रहा हो या चपटल मरम्मती की बात है जहाँ जो शिकायत है हम लोग को अवरत कराएँ जहाँ तक बनेगा हम लोग उसको काम करवाने का काम करेंगे निःशुल्क और रोड पर उतर कर आप जनता मालिक से भी आग्रह करते हैं कि आप हमको साथ दें रोड पर उतरें हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप इसमें सहभागी बने तब तो आपका कार्य सफल होगा अन्यथा कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा और जनप्रतिनिधि तो मैं टाइम बाउंड दिया हूँ एक एक, एक सप्ताह दस दिन के अंदर यदि इन कार्यों पर समस्याओं का निदान नहीं हो रहा तो हम लोग रोड पर उतरेगे जन आंदोलन करेंगे और जनता के लिए हम लोग मर मिटने के लिए भी तैयार रहेंगे चलिए मिथिलेश जी हैं प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि हैं और ये बोल रहे हैं कि जनता के समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता दस दिन में तो पूरा इस्लामपुर को हम लोग जाम कर देंगे बिजली ऑफिस को हम लोग घेरेंगे प्रखंड मुख्यालयों को हम लोग घेरेंगे अब देखने वाली बात होती है कि दस दिनों के अंदर जो जनता का आम समस्या है वो अधिकारी लोग निपटा पाते हैं कि नहीं निपटा पाते हैं हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे और दस दिन के बाद पुनः मिथिलेश जी से आकर के पूछेंगे कि क्या हुआ आपका वादा और क्या हुआ आपका दावा बाकी मैसेज इस दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों आपको रोरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक